राम राम दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका अपना अमन तिवारी। तो भाई आज एक बात मुझे समझ में आ गई कि क्यों भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 वेरिएंट क्यों इंडिया में भाई सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग में रहता है और क्यों सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, वो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। क्या इसमें फीचर्स मिल जाते हैं और क्या इसके प्राइस रेंज रहने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई सबसे पहले बात की जाए हमारे महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के S11 मॉडल की, तो यहाँ पे आपको स्थिति सबसे पहले इस तरीके से की आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें एक की में यहाँ पे आपको इस तरीके से लॉक अनलॉक करने का बटन और इस तरीके से यहाँ पे की देखने को मिल जाती है। लेकिन सेकंड की बात की जाए तो उसमें आपको कोई भी यहाँ पे बटन ऑपरेट करने के लिए देखने को नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको इस तरीके से की देखने को मिल जाती है। साथ में भाई अगर आप बात की जाए इसके इंजन की, तो यहाँ पे आपको 2.2 लीटर M-Hawk 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर पावर वाइज बात की जाए तो यहाँ पे 130 bhp और 300 nm की इसमें आपको पावर देखने को मिल जाती है, जो कि भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक को एक परफेक्ट SUV बना देती है अपने इंजन के पावर के बलबूते पे। साथ में भाई बात की जाए इसके फ्रंट साइड में और भी क्या क्या खास मिल जाता है, सबसे पहले बात की जाए तो फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको डे टाइम DRL देखने को मिल जाती है यहाँ पे इस तरीके से। साथ ही में नीचे आपको प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलाइट के साथ में यहाँ पे एक नॉर्मल सी आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाती है। साथ ही में नीचे आपको साइड इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, और नीचे अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको LED DRL देखने को मिल जाती है, और नीचे फॉग लैम्प आपको हेलोजन देखने को मिल जाता है। साथ ही में फ्रंट साइड की ग्रिल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्रोम की ग्रिल देखने को मिल जाती है, इसमें आपको कोई भी पियानो फिनिश का वर्क देखने को नहीं मिलता ग्रिल पे। अब यहाँ पे अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो 17 inches के यहाँ पे आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, विद वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक और डायमंड कट डिजाइन के यहाँ पे आपको उसमें एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर बॉडी पे इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ORBM आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जिसमें ऊपर आपको यहाँ पे पियानो फिनिश का वर्क देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे कहीं भी आपको कोई भी क्रोम का वर्क देखने को नहीं मिलता स्कॉर्पियो क्लासिक के S11 टॉप मॉडल में। नीचे यहाँ पे स्कॉर्पियो की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, साथ में यहाँ पे इस तरीके से आपको इसमें रूफ रेल देखने को मिल जाती है। अगर बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पे रियर व्हील में आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अगर अब बात की जाए इसके रियर व्यू की, तो यहाँ पर रियर व्यू आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। साइड इंडिकेटर की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलती है। नीचे इसमें आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और बैक साइड में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है, रियर वाइपर देखने को मिल जाता है, स्पॉइलर देखने को मिल जाता है। साथ में बात की जाए तो यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग लिखी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोनों साइड में यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है, रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, नीचे इसका स्पेयर व्हील आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे 15 इंच का या 17 इंच का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये थे हमारे कार का एक्सटीरियर। अगर आप बात की जाए इसके इंटीरियर की, तो आइए चल के देखते हैं। तो भाई अभी आप सभी ने देखा कार का एक्सटीरियर, अगर बात की जाए इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पे इंटीरियर कैसा क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो डोर पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन करने के लिए देखने को मिल जाती, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो चारों पावर विंडो का कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ पे लॉक डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पियानो फ्लिश की लाइन सी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो फ्रंट साइड के डोर पे सिर्फ और सिर्फ आपको बड़े से स्पीकर की यहाँ पे जगह देखने को मिल जाती है, इसमें आपको कोई भी यहाँ पे टूटे स्पीकर देखने को नहीं मिलता। नीचे आपको यहाँ पर कोई भी वाटर रखने की स्पेस देखने को नहीं मिलती, इतने में तो आ भी नहीं सकती। साथ ही में अगर आप बात की जाए ड्राइवर साइड की सीट के, तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फाइनली अगर बात की जाए इसके इंटीरियर की, तो आइए चल के देखते हैं। तो भाई फाइनली आ चुके हैं हम लोग कार के इंटीरियर पे। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो S11 का इंटीरियर बात काफी ज्यादा आपको प्रीमियम और नीट एंड क्लीन देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है क्रोम के साथ में, और ग्लव बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको पियानो फिनिश की एक लाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको SRS की एयर बैग की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको टोटल एयर बैग आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में देखने को मिल जाते हैं। टोटल आपको दो एयरबैग देखने को मिल जाते हैं इस कार में। यहाँ पे 9 inch की बड़ी सी टच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन वाला आपको गियर बॉक्स, और यहाँ पे आपको 12-volt फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर सेंटर कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे बोट फिनिश और पियानो फिनिश के साथ में सेंटर कंसोल को काफी ज्यादा प्रीमियम बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई, और जो काफी ज्यादा प्रीमियम लुक भी आपको देती हुई नजर आएगी इंटीरियर में। साथ में यहाँ पे आपको मैनुअली हैंड ब्रेक और यहाँ पे दो वाटर रखने की स्पेस आपको देखने को मिल जाती है।
अगर बात की जाए स्पेस वाइज तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको इसमें सनग्लास रखने के लिए कुछ यहाँ पे स्पेस, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे अपर साइड में कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे बात की जाए डे एंड नाइट वाला आपको रियर व्यू मिरर आपको मैनुअली देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा मिरर आपको देखने को मिल जाता है। अब इसकी ग्लव बॉक्स की स्पेस की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। मतलब आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक की गैर आपको ग्लव बॉक्स आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पे लाइट ना मिलके आपको यहाँ पे लाइट इस तरीके से देखने को मिल जाती है, वो भी आपको हेलोजन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फ्रंट साइड में आपको यहाँ पर कोई भी आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता S11 में। साथ में अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ पर लेदर फिनिश का वर्क देखने को मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल और कॉल एंड पे कट करने की आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बटन देखने को मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पर बात की जाए तो ORBM कंट्रोल यहाँ से आप इससे इजीली कर सकते हैं, जो कि आपको डोर पे ना मिलके आपको फ्रंट साइड में सामने देखने को मिल जाता है। तो भाई ये था हमारे फ्रंट साइड का। अगर आप बात करें चल के इसके बैक साइड के रियर साइड के तो कैसे के मिलते हैं तो आइए चल के देखते हैं। अगर भाई सेकंड रो की बात की जाए तो जैसे इसका डोर ओपन करते हैं सेकंड रो में तो यहाँ पे भी एक आपको पावर विंडो का यहाँ पे बटन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक आपको पियानो फिनिश की लाइन सी देखने को मिल जाती है। इस तरीके से नॉर्मल सा आपको लॉक डोर हैंडल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए इस तरीके से यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना इजिली कुछ भी मोबाइल या कुछ भी छोटी मोटी चीजें यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। नीचे अगर बात की जाए तो एक वाटर बॉटल रखने की स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही में बात की जाए तो सेकंड रो में यहाँ पे आपको इसमें रियर AC के साथ साथ नीचे मोबाइल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है रखने के लिए। साथ ही में अगर बात की जाए तो इसमें आपको इस तरीके से रियर आर्मरेस्ट सेकंड रो में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी। मतलब फ्रंट साइड में ना मिलके आपको सेकंड रो में कम से कम यहाँ पे आपको देते हुए नजर आते हैं। साथ ही में अगर आप बात की जाए इसके बूट स्पेस की वो कैसे की मिलती है तो आइए चल के देखते हैं। साथ में बूट स्पेस की बात की जाए तो स्कॉर्पियो क्लासिक के S11 की यहाँ पे जैसे आप लोग डोर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। 460 लीटर की बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि भाई अपने सेगमेंट में आपको बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है। बैक साइड में यहाँ पे दो दो आपको बड़े से स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको हैंडल देखने को मिल जाता है और लॉक डोर हैंडल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई अगर बात की जाए बूट स्पेस की वो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाती है। की जाए तो भाई ये है हमारे महिंद्रा स्कॉर्पियो S11। अगर बात की जाए इसके प्राइस की तो यहाँ पे X-Showroom 17,22,000 रुपये से इसके X-Showroom प्राइस रुपये स्टार्ट होते हैं। आप लोगों को कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज़ लाइक सकते हैं माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।